सीनियर या सीनियर जो भी हो, आप लोगों के समक्ष अपने पक्ष और विपक्ष दोनों रखते हैं। सर नहीं होती है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, किसी भी भगवान के अंदर कोई भी भगवान। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम घर बैठे देश दुनिया की जितनी भी खबरें हैं हम अपने घर बैठे उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मिनटों सेकेंडों हर वक्त हमारे मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर टेलीविजन के माध्यम से हर एक सेकेंड का पूरे देश दुनिया की जितनी भी खबरें हैं हम लोगों के पास आ जाती हैं। जैसा कि अभी पहले हमारे विपक्ष में बोले कि मीडिया गरीब तक नहीं पहुंच पाती है, आज के युग में भारत में लगभग 80% सबके पास एंड्रॉइड सेट है, सबके घर में मीडिया का साधन है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अच्छाई का फर्क सबको पता है। मीडिया के माध्यम से हम हर उस अच्छाई और बुराई का ज्ञान प्राप्त करते हैं। विपक्ष वाले बोलते हैं कि मीडिया चाटुकर्ता का काम करती है, मीडिया किसी एक इंसान के लिए नहीं बनी हुई है और मीडिया घर घर तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि मीडिया एक अपने माध्यम से काम करती है, हर एक चीज का एक लिमिट होता है, किसी का वो चाटुकर्ता नहीं कर सकती है। आप किसी भी मीडिया के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं, अगर आपको किसी चीज में बुराई दिखाई दे तो आप अपने पक्ष में उस बात को रख सकते हैं और मीडिया उसको भी दिखाती है। आए दिन गरीब परिवार से अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है मीडिया उसको भी दिखाती है, और आए दिन भारत का अगर कोई करोड़पति या कोई बड़ा नेता कोई गलत काम करके आती है, ये प्रजातंत्र नहीं है, ये मीडिया ऐसा माध्यम है जो अपना सब कुछ का निर्वहन करके हर एक पक्ष में अपना रखती है, चाहे वो गलत हो या सही हो, और वो किसी वोट बैंक की कोई चाटुकर्ता नहीं करती है। ये चाटुकर्ता हम और आप जैसे गलत सोच रखने वाले लोग उस चाटुकर्ता का नाम देते हैं मीडिया को। मीडिया हर जगह सही है और आप उसको बस सही उपयोग करें और सही दिशा में उस सोच को ले जाएं। होता है अब लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ मीडिया है। जिस तरह से मकान में स्तंभ मकान को मजबूती प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से हमारे संविधान में मीडिया हमारे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान अपने अथक एवं निरंतर प्रयास से आज पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिया है। इसके दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की हमें उस पंक्ति की याद दिलाता है कि जो अपनी मजबूरियों में आग लगा सकते हैं, जो अपनी मजबूरियों में आग लगा सकते हैं, वो सूरज से भी आग मिला सकते हैं। वाह भाई वाह। मंजिल ही जिनकी मकसद हो, मंजिल ही जिनकी मकसद हो, वो पहाड़ों में भी सुरंग बना लेते हैं। हमारे देश की मीडिया अब बहुत ही तकलीफ हो गई है। जहां पहले सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पंछियों का सहारा लिया जाता था, अब आधुनिक यंत्र हमारे कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल आदि के द्वारा देश दुनिया की सभी खबरों को चंद क्षणों में ही प्राप्त कर लिया। मीडिया सिर्फ और सिर्फ पुख्ता एवं सबूतपूर्ण बातों का ही समर्थन करती है। यह सत्य ही कहा जाता है कि मीडिया किसी का नहीं होता, अर्थात यदि आप देगी, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आपके गोरे चेहरे के पीछे छिपे हुए कालिक को जनता के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करेगी। यस ब्रो, यस। बात रखकर उन्हें बचाती है, जबकि असली सच्चाई से हमें बहुत दूर रखती है। मीडिया हमें दिखाती है कि मोदी जी आज कहां गए, जैसे टाइम अप। आप सब जानते हैं मीडिया के समय में हम सभी रेडियो और टेलीविजन का यूज अधिकतर करते थे, और नाउ नाउ इज और आजकल के हम और ऐसा संसाधन है जिसकी वजह से हम लोगों को जागृत करने और उनको सही और गलत बताने का समय रख।
क्या हो गया यार, सही और गलत बताने की हम इस पर इतना मैं आज यहाँ लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के विपक्ष के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, लोकतंत्र की विधायिका न्यायपालिका का था, ये चारों से मिलकर आम आवाम की आवाज को बुलंद किया था, मैं आवाम की आवाज को दबाता चला जा रहा है। इस तंत्र का नाम है अर्थतंत्र। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव कहते हैं, और संसाधन वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसके पास पूंजी हो, अर्थात अर्थतंत्र के ऊपर काबिज होता जा रहा है कि मीडिया हमारे समाज के प्रति उसके भ्रष्टाचार को नहीं दिखा रही है, जबकि यह पूंजीपति के चाटुकारिता को कर रही है। मीडिया हमें दिखा रही है सलमान खान के कुत्ते ने क्या खाया, लेकिन कभी ये नहीं दिखा रही है कि एक रिक्शा चालक के बेटे का